हर्ष न्यूज की सारी खबरें आप तक। चांदनी चौक इलाके में लगी भीषण आग, मौके पर दमकल की 48 गाड़ियां पहुंची। पुरानी दिल्ली के चांदनी चौक नई सड़क इलाके में लगी आग ने भयावह रूप धारण कर लिया है। दमकल विभाग की 48 गाड़ियां आग पर काबू पाने में जुटी हैं। पटिया और टीआयरन पर बनी दो इमारतें गिर गई हैं। हादसे में 40 से 50 दुकानें जलकर खाक हो चुके हैं। फिलहाल आग पर काबू पाने का सिलसिला जारी है। गनीमत रही है कि हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ है, लेकिन करोड़ों रुपए की साड़ियां, सूट, लहंगे और ड्रेस मटेरियल जल गया है। मौके पर मौजूद अधिकारियों ने फिलहाल आग लगने के कारणों के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है। फायर कंट्रोल रूम को आग लगने की सूचना शाम 5 बजे मिली थी। गनीमत रही कि वक्त रहते लोग इमारतों से निकल गए। आग के धुएं से आसपास के इलाके में लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। वहीं संकरी गलियां होने के कारण दमकल कर्मियों को कड़ी मशक्कत का सामना करना पड़ रहा है। ऊपर से इलाके में सड़क के दोनों ओर तारों का चाल फैला हुआ है, इसके कारण भी वाहनों को घटनास्थल तक पहुंचने में काफी देरी हुई। बिल्कुल सराउंडेड हो गई है, तो अब कहीं बढ़ नहीं सकते क्योंकि बिल्डिंग ऑलरेडी गिर चुकी है, इसलिए फायर को बुझाने में बहुत दिक्कत आ रही है। और आप देख सकते हैं जगह बहुत अंदर है, तो पानी की भी जो है दिक्कत आ रही है। वो है मैम, लगभग कितनी दुकानें चपेट में है? अभी ये एग्जैक्टली नहीं बता सकता कितनी दुकानें चपेट में हैं, कितनी हैं, क्योंकि देखिए कुछ दुकानें गिर गई हैं, कुछ जल रही हैं, कुछ में भी आग है। तो आई थिंक ये जो कॉल है कितनी दुकानें होंगी ये मैं आपको जो है करीब 1 घंटे बाद बता पाऊंगा। देखिए ये तो हर जगह की दिल्ली, आपको पता है 70% पॉपुलेशन दिल्ली में ऐसी जगहों में ही रहती है, तो इस जगह पानी की दिक्कत है, बिल्डिंग के गिरने की दिक्कत है, गाड़ियों के आने की दिक्कत है, और सबसे बड़ा जो बहुत ज़्यादा हजूम इकट्ठा हो जाता है आगों का, उस वजह से बहुत दिक्कत हुई। हमारे 5 से 7 मिनट तो उन आदमी को खाली कराने में जो है दिक्कत होगी कि आप रास्ता दीजिए, क्योंकि इस गली में आने के लिए इधर से रास्ता है। अभी मैं भी आया हूँ तो मैं भी सायरन में जाकर रहता, बट इट टुक ऑलमोस्ट 10 to 20 minutes टू क्लियर द पीपल। तो ये प्रॉब्लम, फायर इज सराउंडेड, आप कह सकते हैं अंडर कंट्रोल है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। नहीं, इसमें क्या है, मटेरियल कपड़ा है तो हमारा मेन पानी यूज होगा, इसमें फोम का इतना जरूरत नहीं है, फोम का इस्तेमाल का जरूरत नहीं है। फोम इज मेनली यूज फॉर पेट्रोलियम फायर, कहीं ऑयल होता है, यहाँ ऑयल नहीं है, कपड़े की फायर है मेनली, कपड़े की जो कहने चाहिए शॉप्स हैं, गोडाउन हैं, थान्स हैं, तो उसमें पानी सफिशियंट फट हुए। नहीं जी, फोम विल नॉट बी यूज, फोम विल बी वेस्टेज ऑफ मनी एंड वेस्टेज ऑफ टाइम, फोम कैन नॉट बी यूज। ये करीब करीब 40 फायर टेंडर हैं, और अगर आप 40 को 4 से मल्टीप्लाई भी कर ले मिनिमम, तो करीब 170-175 आदमी ऑफिसर से लड़े। नहीं, कोई कैजुअल्टी नहीं है, कोई फसा हुआ नहीं है।